अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATN लाइव और मैं हूं चंदन। सिवान के सदर अनुमंडल कार्यालय में अभी हम मौजूद हैं और यहां से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहां पे दरौली का जो प्रखंड प्रमुख बनाने की जो प्रक्रिया है वो चल रही थी, प्रमुख बना दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि शांति देवी को 12 मत मिले, वहीं रूपा देवी को 10 मत मिले। और जैसे में एक जानकारी तुरंत मिली कि जिस तरीके से सदर अनुमंडल कार्यालय में SDO के साथ तमाम BDC सदस्य बैठे हुए थे, अंदर से कुछ लोगों की हल्ला हंगामे की बात आई और पता चला कि एक महिला जो BDC सदस्य है, रजनी देवी, वो पूरी तरीके से वहाँ पर बेहोश हो गई हैं। हालांकि रिजल्ट आया प्रमुख का, उसके बाद से इस तरह का मामला सामने आया है। लोग कई तरह की बातें बताए जा रहे हैं। सदर अनुमंडल कार्यालय में यानी कि जो SDO हैं रामबाबू बैठा, उनके देख रेख में वहाँ पर चुनावी प्रक्रिया चल रही थी। प्रमुख का रिजल्ट सामने आ गया, शांति देवी को 12 मत मिले और कहा जा रहा है कि 10 मत जो मिले वो आपको रूपा देवी को। और उसके बाद से इस तरह का मामला सामने आया कि एक महिला जो BDC सदस्य हैं, जिनका नाम रजनी देवी बताया जा रहा है, दरौली प्रखंड के कुमटी भिटौली से BDC सदस्य हैं, वो अचानक से यहाँ पर बेहोश हो गई। उसके बाद से आनंद फनन में तमाम प्रशासन के लोग लगे। सिवान के सिविल सर्जन यदुवंत शर्मा को यहाँ पर बुलाया गया और देख रेख में सिवान के सदर अस्पताल में पहुँचाया गया। कुछ देर के लिए जो चुनाव की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी सी धीमी हो गई और उप प्रमुख की चुनाव की अब तैयारी हो रही है। तो इस तरीके से कुछ देर के लिए SDO कोर्ट परिसर में खलबली मच गई, भगदड़ का माहौल मच गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार रजनी देवी के साथ क्या कुछ हो गया। क्यास लगाई जा रही है कि रजनी देवी जो थी वो रूपा देवी की पक्ष में थी और जिस तरीके से जब रिजल्ट सामने आया, वो रिजल्ट आया शांति देवी के पक्ष में, जब 12 मत मिले और शांति देवी दरौली के प्रमुख बनी गई। और ऐसे में यह क्यास लगाई जा रही है कि यह रिजल्ट आने के बाद से अचानक से रजनी देवी को जो कहा जाता है कि फिट का अटैक हुआ और वहाँ पे वो बेहोश हो गई। हालांकि बेहोशी की हालत में सिवान के सिविल सर्जन के नेतृत्व में सिवान के सदर अस्पताल में उन्हें इलाज के लिए पहुँचाया गया है। सिविल सर्जन से बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कहीं भी खतरे की बात नहीं है, बिल्कुल वो थोड़ी देर में स्वस्थ हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक तरफ आपको बताते चले कि जिस तरीके से सामने यह मामला आया, एक महिला बेहोश होती है SDO कार्यालय में, उसके बाद से चारों तरफ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनमें खलबली मच जाती है कि अचानक से इस महिला को क्या हो गया। लेकिन घबराने की बात नहीं है, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक है। प्रमुख का चुनाव हो चुका है, दरौली प्रखंड प्रमुख के तौर पे शांति देवी जो है वो 12 मत उन्हें मिले हैं और शांति देवी ने कब्जा जमा लिया है प्रमुख की सीट पर। उप प्रमुख का जो चुनाव है वो चल रहा है, थोड़ी देर के बाद रिजल्ट आएगा और बिल्कुल वो सब कुछ हम आपको दिखाने का काम करते रहेंगे। हमारे सहयोगी आशीष कुमार गोलू के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, सिवा। आप तो आए यहाँ पे, क्या हुआ था? नहीं, मुझे SDO साहब ने फ़ोन किया, मैं DM साहब के यहाँ एक बैठक में था, निकला ही था तो स्वयं यहाँ चला आया। मरीज को गाड़ी में देख लिया, गंभीर कोई बात नहीं थी। क्या दिक्कत सर? नहीं, वो फिर हॉस्पिटल में ने कहा वहाँ ले जाके देख लीजिए। अच्छा अच्छा, ऐसी कोई गंभीर बात प्राथमिक रूप में नहीं है, ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अगर आप चर्म रोग, गुप्त रोग या यौन रोग से परेशान हैं और बार बार डॉक्टर बदलने के बाद भी इस बीमारी से छुटकारा नहीं हो पा रहा है, तो समुचित व अस्थायी इलाज के लिए डॉक्टर सृष्टि सिन्हा से मिलिए, जो सिवान जिले की एकमात्र प्रसिद्ध महिला चर्म रोग, गुप्त रोग एवं यौन रोग चिकित्सक है। यहाँ आँखों के नीचे कालापन एवं सूजन, कुष्ठ रोग, बाल गिरना, सफेद दाग, पिम्पल्स, दाग धब्बे, लेजर सेवा, अनचाहे बाल एवं तिल निकालने, गालों के गड्ढे भरना, छाल रोग एवं अन्य चर्म रोग, गुप्त रोग व यौन रोग का इलाज किया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर AK सिन्हा के समीप, फतेहपुर दुर्गा मंदिर, हॉस्पिटल रोड, सिवान। मोबाइल नंबर है 8406890365। सिवान में खुल गया है ग्रोसरी की दुनिया का एकमात्र ब्रांड वी मार्ट, द ग्रोसरी हाइपर मार्केट, जहाँ एक ही छत के नीचे मिल रहे हैं सब कुछ और बाजारों की अपेक्षा बिल्कुल सस्ते दरों पर। तो अब देर किस बात की, आज ही चले और जमकर खरीदारी करें। वी मार्ट, महादेवा रोड।